जितं भगवतः वर्धतां कृष्ण भक्तिः श्रीकृष्णाय नमः श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः श्री गुरुभ्यो नमः। समस्त पूज्यपाद गुरु रूप समस्त दिव्य चरणों को मेरे सादर दंडवत प्रणाम। आदरणीय शास्त्रीय वर्ग अन्य महानुभावों को मेरा प्रणाम एवं आप सभी मेरे प्रिय वाल्लभीय वैष्णव जनों को भगवत स्मरण सहित खूब खूब सुस्वागत। मेरे इस जूम परिवार को और विशेष करके फेसबुक लाइव में सब जन जुड़ने वाले मेरे समस्त श्रोता मंडल को मैं खूब खूब धन्यवाद कहना चाहूंगा। आप लोग प्रतिदिन और प्रतिवासर ये वल्लभाचार्य दिव्य आज्ञा को आप धारण कर रहे हैं। यहाँ से हम जो भी व्याख्यान विवेचन सत्संग के माध्यम से करने का प्रयास कर रहे हैं, उन प्रयासों को आप सभी सार्थक कर रहे हैं। इसके लिए आप सब बहुत बहुत साधुवाद एवं भूरिशः अभिनंदन सहित आशीर्वाद के पात्र हैं। आप सभी का मैं खूब खूब धन्यवाद करता हूँ। हमारे इस प्रकल्प को सफल बनाने में आप सभी के इस एक घंटे के सहयोग का बहुत बड़ा योगदान है। आज 9 से 10 हम लोग जो साथ में बैठ के इस भगवत चर्चा को यहाँ कर पा रहे हैं, इसमें मैं समस्त मेरे सोशल मीडिया पार्टनर्स और जो लोग भी इसके प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट में और पब्लिसाइजेशन में लगे हुए हैं, उन सभी को इसको पब्लिसाइज करने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत समय से मेरे मन में था कि मैं आप सबको ये बात मेरी तरफ से कहूँ कि ठाकुर जी की महत कृपा है कि आज सांप्रदायिक सिद्धांत ग्रंथों का अपन यहाँ से अवगाहन और आचार्य वाणी का अपन चिंतन कर पा रहे हैं। जैसे हमने पूर्व में भी चर्चा की है, हमारी आचार्य त्रिवेणी में श्रीमद आचार्य चरण, प्रभुवर चरण और प्रभुचरण श्री गुसाई जी, आप तीनों संप्रदाय के मूल आचार्य हैं। जैसे हम षोडश ग्रंथों का चिंतन करें, जैसे हम सर्व मूल ग्रंथ श्री गुसाई जी के जो हैं सर्व मूल ग्रंथ उनका जैसे अपन चिंतन करें, वैसे ही अपन यहाँ साधन दीपिका का इस समय जो चिंतन कर रहे हैं वो वास्तव में एक पुष्टिमार्गीय वैष्णव जन जीवन के लिए एक पथ प्रदर्शक का काम कर रहा है ये ग्रंथ। और आप सभी के साथ इस ग्रंथ का चिंतन करने से मेरे भी बहुत से पढ़े हुए विषयों का रिवीजन होता है। तो मैं आप सभी वैष्णवों का इस रूप में भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि अपन सबों ने जो साधन दीपिका के चिंतन का संकल्प लिया, इससे हम गुरुजनों को भी काफी चीजें हम रिवाइज कर रहे हैं, मेमोराइज कर रहे हैं। इन सब चीजों में व्याख्यान करने के लिए कुछ चीजों को हमको भी चार पन्ने अधिक पढ़ने पड़ते हैं ताकि हम आपके आगे यथार्थ का उद्बोधन दे सकें। जैसा कि मैंने हमेशा से कहा है, सत्यम वद धर्मं चर, सत्य को बोलकर ही धर्म का आचरण करना चाहिए। सत्य स्वरूप परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की वाणी, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत आदि अन्य भगवत शास्त्र के समान ही और कहीं कहीं उनसे अधिक, जैसे श्री महाप्रभु जी स्वयं भक्तिवर्धिनी में आज्ञा करते हैं कि इत्येवं भगवत शास्त्रम गूढ़ तत्त्वम निरूपितम एतत् समधीत तस्यापि स्याद् दृढ़ा रति। तो अपनी रति को दृढ़ करने के लिए समस्त भगवत शास्त्रों के सार रूप भी श्री महाप्रभु जी ने ग्रंथ प्रकट किए हैं। तो आचार्यों की वाणी जो है वो भगवत शास्त्र और अन्य वेदादि शास्त्रों का तात्पर्य लेकर ही चलती है। आज हम लोग जो भी यहाँ से व्याख्यान कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, कल भी जैसे हमारा ये गीता जी के वाक्य को जो उद्धृत यहाँ पे किया है, उद्धृत किया है श्री गोपीनाथ प्रभुचरण ने, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते, वहां तक का हमारा व्याख्यान कल साधन दीपिका में हुआ। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और अब जो दो तीन श्लोक आएंगे ये सृष्टि चक्रवाद और किस प्रकार से भगवान ने दैवी जीवों का सृजन किया, किस प्रकार से प्रभु ने अपनी इच्छा से ऐसी एक सृष्टि बनाई जो उनको सुख दे सके,
आज हम लोग बार बार ये ठाकुर जी की लीला है, ये ठाकुर जी की लीला है ऐसा कहते हैं। महाप्रभु जी भी आज्ञा करते हैं कि अपने साथ घटने वाली हर घटना में तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिंताम द्रुतम त्यजेत, उसको भगवत लीला मान के अपने को चिंताओं का परित्याग कर देना चाहिए। तो ये लीला क्या चीज है, किस वस्तु को हम लीला शब्द से संबोधित करते हैं, इसके लिए पुष्टि मार्ग आज्ञा करता है। पुष्टि मार्ग के शास्त्र, पुष्टि मार्ग के व्याख्यान ग्रंथ बताते हैं, अनायासेन हर्षेण क्रियमाणम चेष्टा इति लीला। अनायासेन, जिसमें प्रभु को कोई प्रयास न करना पड़े, कोई परिश्रम न करना पड़े, जिसमें प्रभु को हर्ष होता हो, प्रभु को आनंद आता हो, तो अनायासेन हर्षेण क्रियमाणम चेष्टा, कुछ कर्म करने की चेष्टा, चेष्टा मतलब इच्छा करे प्रभु और वो कार्य हो जाए, उसको लीला कहते हैं। देखो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में लीला के संपादनार्थ अपने साथ हर कृति को करने के लिए कोई भगवान प्रतिक्षण अवतार नहीं ले रहे हैं, लेकिन भगवान की इच्छा से ही चराचर जगत में प्राणी मात्र इस श्वासों का भी आवागमन कर पा रहे हैं, ये एक अटल सत्य है। तो आज एक वस्तु हमको समझनी चाहिए कि अनायासेन हर्षेण क्रियमाणम चेष्टा इति लीला। अब लीला को हमको किसके साथ जोड़ना है, लीला को जोड़ना है सेवा के साथ, और सेवा का स्वरूप क्या बताया है पुष्टि मार्ग ने, सेव्य सुख जनिका सा क्रिया या सेवा, जिसमें अपने सेव्य को सुख हो ऐसी क्रिया करना। तो सेव्य सुख जनिका सा क्रिया या सेवा और अनायासेन हर्षेण क्रियमाणम चेष्टा इति लीला। तो जो चीज ठाकुर जी अपने साथ कर रहे हैं वो लीला है, और अपन जो ठाकुर जी के साथ कर रहे हैं वो सेवा है। तो सेवा और लीला का ये तादात्म्य है कि लीला प्रभु की इच्छा से होगी और सेवा प्रभु कृपा से होगी। प्रभु कृपा करेंगे तब हम ठाकुर जी की सेवा कर पाएंगे, और ठाकुर जी जब इच्छा करेंगे तब अपने साथ लीला होगी। आज अपन लीला सृष्टि के जीव हैं, अभी आएगा आगे लीला सृष्टिर अनुत्तमा, अपन उत्तम उत्तम सृष्टि में भगवान की लीला सृष्टि में आते हैं। इसी कारण से आपको ध्यान हो तो कुछ कारिकाओं पूर्व दैवी संपद और दैवी संपद के योग से अपने में भक्ति की निष्ठा, इन दो चीजों का विवेचन प्रभु हरचरण ने साधन दीपिका में किया। साधन वापिस मैं कहूंगा सेवा है, सेवा का जहां प्रकाश किया जाए, सेवा विषयक में जहां उपदेश किया जाए, सेवा मार्ग जिस दीपक के प्रकाश में दिखाया जाए, उस दीप मालिका को, उस दीपिका को साधन दीपिका कहते हैं। भगवान वल्लभाचार्य ने भी, वैश्वानरावतार वल्लभाचार्य ने भी अपने ज्ञान के अग्नि स्वरूप को एक तत्व दीप उद्भासित करके और आपने प्रकट किया। भगवान ने भी स्पष्ट गीता जी 10वें अध्याय में कहा, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम ज्ञानजम तमः नाशयाम आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। तो ज्ञान दीप को प्रकट करके अग्नि अग्निश्चकार तत्वार्थम दीपम भागवते महत इत्यादि वाक्यों में अपने यहां भी ये स्पष्ट किया गया है कि महाप्रभु जी ने भी एक दीपक प्रज्वलित किया है, साथ में श्री गोपीनाथ प्रभु चरण ने भी एक ऐसा सुंदर सा दीपक प्रकाश स्वयं प्रकट किया है, और आप देखो कि इसके सामने श्री प्रभु चरण श्री गोसाई जी, आप तो साक्षात अग्नि कुमार हैं, आप इसी अग्नि और इसी दीप की ज्योति की प्रथम आप ऐसी ज्वाजल्यमान प्रकाश पुंज आप स्वयं हैं कि यन्ना मार्को दयात पाप ध्वांतराशि प्रशाम्यति विकसन्ति हृदब्जानी तन्ना मानी सदाश्रय, के जैसे सूर्य के आने से अपने आप ही कमलों को विकास प्राप्त होता है, वैसा जिनके नाम लेने से अपने हृदय का अंधकार दूर होता है, और अर्क की भांति, अर्क मतलब सूर्य की भांति, ये नाम जिनके प्रकट होने से आप अपने हृदय में प्रकट होते हैं वो अपने श्री गोसाई जी हैं। तो मैं पुनश्च कहूंगा कि उस पुष्टि त्रिवेणी, इस गंगा यमुना सरस्वती रूप श्रीमद आचार्य चरण प्रभु और चरण और प्रभु चरण श्री गुसाई जी, इनके ग्रंथों में आदृत भाव वरिवर्ती श्रद्धा श्रुतिषु यदि वा व्यास वचने, उस प्रकार से जैसी हमारी श्रुतियों में वेदादि शास्त्रों में जैसी हमारी श्रद्धा है, गीता भागवत में जैसी हमारी श्रद्धा है, रामायण महाभारत में जैसी हमारी श्रद्धा है, उससे भी हमको बलवत्तर बढ़ी हुई श्रद्धा हमको श्रीमद आचार्य वाणी में रखनी चाहिए।
क्योंकि हमारे उद्धार का उपाय तो महाप्रभु जी के बताए हुए मार्ग पे चलना है ही, लेकिन मान लो हम नहीं चले, तस्मात् श्री वल्लभाक्य त्वदुदित वचनाद अन्यथा रूपयन्ति भ्रांता येते निसर्ग त्रिदशरूपतया केवल अंधंतमोगाः। तो अगर अंधंतम नरक में नहीं जाना है, क्योंकि श्री गोसाई जी स्पष्ट आज्ञा करते हैं कि ये जैसे जैसे ईशावास्योपनिषद में एक मंत्र मिलता है, उस मंत्र में क्या कहा गया है, मंत्र कह रहा है अंधंतम प्रविश्यंती ये अविद्यागुम उपासते, जो अविद्या की उपासना करते हैं वो अंधंतम नरक में जाते हैं, और विद्या का संपादन अपने लिए कौन करते हैं, तो उसी उपनिषद का अंतिम मंत्र कहता है अग्नेनय सुपताराये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोध्यस्म जुहुराण मेनो भूष्टान्ते नम उक्तिम विधेमा। हे अग्नि, मैं तुमको नमस्कार कर रहा हूं, हे अग्नि तुम सुपथ दिखाने वाले हो, सन्मार्ग दिखाने वाले हो, तो अग्नि नय सुपताराये तुम सुपथ दिखा रहे हो, अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, विद्वान ने तुमको इस विश्व का आदि देव बताया है, मूल आप ही हो। और अपन देख भी सकते हैं कि सबसे पहला जब ऋग्वेद प्रारंभ हुआ तो उसने श्री महाप्रभु जी को ही नमस्कार किया, अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम, सबसे पहला मंत्र ही अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम, देव ठाकुर जी हैं और पुरोहित अपने को अपना हित विचार के अपने को उनका मार्ग दिखाने वाले, देव का यजन कैसे करना, कैसे प्रभु की सेवा करना ये बताने वाले यदि कोई है तो वो श्रीमद आचार्य चरण है। ये आचार्य चरण का ही अस्मत् कुलम निष्कलंकम यत् कृष्णेन आत्मसात् कृतम, ये ऐसा एक कुल है अग्निकुल वल्लभ कुल जिसने अपने प्राणों को श्री कृष्ण के साथ आत्मसात किया है, ये श्री गोसाई जी का वचन है। ललित त्रिभंगी स्तोत्र में श्री गोसाई जी सबसे पहले मंगलाचरण में ही प्रारंभ में ही स्पष्ट कर देते हैं कि अस्मत् कुलम निष्कलंकम यत् कृष्णेन आत्मसात् कृतम, जिसमें श्री गिरधर जी से लेके और घनश्याम जी पर्यंत सभी सप्तात्मज को हम देख सकते हैं, और उनके वंशधर आज जो जो विद्यमान है वो सब अग्निकुल हैं, वल्लभ कुल हैं, सब अग्निकुमार आत्मज हैं। तो इस रूप में वैश्वानर हम वंदे वैश्वानर सुतौ तथा वैश्वानर कुले जातान सर्वान वैश्वानर प्रभान, आज उन सबकी कोई ना कोई प्रभा आभा जिनमें प्रकाशित हो रही है, ऐसे दिव्य श्री वल्लभ कुल के चरणारविंद में बैठ के वहां समय गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि क्षोत्रिय, जिस प्रकार से वेद ने आज्ञा की है वैसे कुछ हाथ में सेवा लेकर उनके पास जाके उनके पास बैठ के अंतेवासिना होके और दांत भाव से शांत भाव से अपने स्वांतकरण के अंधकार को दूर करने के लिए उनसे परिप्रश्न करके कुछ सेवा करके उनसे पूछना चाहिए कि आप कृपा करके शास्त्रोपदेश करो, हमको ज्ञानोपदेश करो, हमको आप सेवा मार्ग बताओ कि जिससे हम अपने घर में एक सेवा परायण वैष्णवी जीवन जी सकें। आज वैष्णवत्व की सबसे बड़ी शोभा ही घर में विराज ठाकुर जी हैं और अपन आप परिवार उनकी प्रचार की में उनकी परिचर्या में लगे, इस चीज को प्रोत्साहन तो प्रतिदिन देना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि एक ही बार सुनी हुई बात है और क्यों बार बार हम सुनते हैं, नहीं, ये सब तो निवेदनम तु स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशैर जने ही, तादृशी जीवों के साथ बैठ के निवेदन का वारंवार स्मरण करना चाहिए, अपने आत्मनिवेदित होने का गौरव मानना चाहिए। प्रौढ़ापि दुहिता यद्वत् स्नेहा न प्रेषते वरे तथा देहे न कर्तव्यम वरस्तुष्यति नान्यथा लोकवच्चित्य स्थित्र में सात्किम स्यादिति विचारे, इत्यादि वाक्यों का चिंतन करके इस देह को सेवा में जाने से नहीं रोकना चाहिए। सेवा से इतर मार्गों में हम प्रवृत्त होंगे ही, होते ही हैं, उसी में अपन रहना चाहते हैं, बलात् मन का वहां से निकर्ष करके और अपने को ठाकुर जी की सेवा में उसका मन ये न केन प्रकारेण मन कृष्णम निवेशयेत, कोई न कोई प्रकार करके अपने मन को कृष्ण चरणारविंद की ओर ले जाने का प्रयास तो अवश्य करना ही चाहिए। उस प्रयास को सफल करने का कार्य जो है वो किस प्रकार से ठाकुर जी करते हैं हम आज की कार्यक्रमों में देखेंगे। मैं भक्ति सेतु से आग्रह करूंगा कि भक्ति सेतु मुझे आज के श्लोकों की संख्या दिखाएं, हमको 50 से आगे के श्लोक दिखाने का मैं भक्ति सेतु से आग्रह करता हूं। आप एक पेज थोड़ा आगे हैं, हमको लास्ट दो श्लोक पहले के पेज के भी देखने की इच्छा है, तो आप हमें दो श्लोक लास्ट पेज में भी प्लीज दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लास्ट ये दो श्लोक बचे हैं, उसमें भी
52वें श्लोक से हम आज प्रारंभ कर रहे हैं। और 52वां श्लोक जो कह रहा है वो कह रहा है, क्रीडार्थम असजत पूर्वम स्वात्मना स्वात्मकम जगत तत्र काय भवा पुष्टि ही लीला सृष्टिर अनुत्तमा। दूसरा पेज दिखाएंगे आप हमको, तो हम 3-4 श्लोकों का एक बार उच्चारण कर लें, हमको पता चले हम किस जगह पे हैं। तो आप हमको आगे का पेज दिखाएं। यहां कह रहे हैं कि सृष्टि के कर्ता केवल भगवान हैं, तासों ये सृष्टि भगवदात्मिका है। सो या सृष्टि में पुष्टि जीव को भजनानंदानुभव के प्रदानार्थ प्रकट किए हैं, तासों पुष्टि जीव को भगवत अनुग्रहार्थ नियोजित करनो हूं, भगवत सेवा ही है। अब हम 3 श्लोकों को एक साथ देखेंगे। पहला श्लोक तो हमने 52वां देखा, 53वां श्लोक है, वामांश संभवानंतु भजनानंद लब्धये विशिष्टानां ततोन्येषां नान्या साधन पद्धति यस्यायां अनुगृह्णाति भगवान आत्मभावित स जहाति मतिम लोके वेदे च परिनिष्ठताम अनुग्रहे नियोज्योत संग्रह श्रुति सम्मत महताम समयो मानम महांतोत्र हरे प्रिया अतस्तदनुरोधेन रतिरासो यथा भवेत तदर्थ वर्णम कार्यम श्री गोपाल महामनोहो। यहां हम 56वीं कारिका तक आज ग्रंथ देखने का प्रयास करेंगे, ताकि इसके आगे हमारी सेवा प्रकार शुरू हो। तो आइए मैं वापस मेरे श्रोताओं को एक बार देखना चाहूंगा, और श्रोताओं को संबोधन करते हुए मैं आप सबका ध्यान एक बार 52वीं कारिका की ओर ले जाता हूं कि इसमें सबसे पहले सृष्टि के कर्ता केवल भगवान है, तासों ये सृष्टि भगवद आत्मिका है। पहले श्लोक से हम ये निरूपण करेंगे। दूसरे श्लोक से हम निरूपण ये करेंगे कि सो या सृष्टि में पुष्टि जीव को भजनानंद अनुभव के प्रदानार्थ प्रकट किए हैं, और तासों पुष्टि जीव को भगवद अनुग्रहार्थ नियोजित करनो हूं, भगवत सेवा ही है। इस प्रकार से हमको ये कुछ चीजें यहाँ देखनी है। आइए अपन देखते हैं। आचार्य आज्ञा कर रहे हैं, क्रीडार्थम असृजत पूर्वम स्वात्मना स्वात्मकम जगत तत्र काय भवा पुष्टि लीला सृष्टिर अनुत्तमा। बहुत सुंदर। इसका अर्थ कर रहे हैं यहाँ पे कि भगवान ने पहले तो क्रीड़ा के अर्थ आपसो स्वात्मक इतने भगवदात्मक जगत प्रकट कियो, ता जगत में जो दैवी जीव हैं तिनको अपनी कायाते प्रकटी पुष्टि सृष्टि की उत्तम उत्तम लीला में अंगीकार कियो। तो पहले प्रभु ने कैसे जगत बनाया और फिर कैसे जीव बनाया, ये दो चीजों को इस 52वें श्लोक में समझा रहे हैं। तो आप कह रहे हैं क्रीड़ार्थम। अब क्रीड़ा क्या चीज है? क्रीड़ा भांड, भांड मतलब बर्तन। ये जैसे एक बर्तन में अपन रसोई बनाते हैं, वैसे ये क्रीड़ा भांड भगवान ने ये पूरा जगत निर्माण किया, और जगत जो कहे वो कैसा है तो कह रहे हैं क्रीड़ार्थम। फॉर अ डिवाइन स्पोर्ट ही क्रिएटेड ऑल द वर्ल्ड्स। मतलब यदि हम ये चतुर्दश विवर युक्त इस पूरे ब्रह्मांड रूपी भुवन को देखें, तो ब्रह्मांड रूपी भुवन में 14 लोक बताए गए। 14 लोक में भूलोक, भूवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनरलोक, तपरलोक और सत्यलोक। सत्यलोक वहां है जहां ब्रह्मा जी रहते हैं। और हम नीचे की ओर जाएं तो तल वितल तलातल रसातल तल वितल तलातल महातल रसातल सुतल और पाताल, ये 7 लोक हमको नीचे की ओर प्राप्त होते हैं। इन्हीं को अंधंतम कहा जाता है कि यहाँ अंधकार और बढ़ता ही चला जाता है, और ऊपर जो लोक हैं वो अपने आप में स्वयं प्रकाश और तेजस्वी लोक होते ही चले जाते हैं। अर्चिरादि मार्ग से जिनका देव यान पद्धति से जिनको भगवत धाम और भगवत लोक और उत्तम गति प्राप्त होती है, वो लोग ये सब लोकों को देखते हुए और भगवान की ओर बढ़ते हैं। तो एक वस्तु को समझें कि ये चतुर्दश विवर मतलब ये 14 फ्लोर्स युक्त पूरा जो ब्रह्मांड बनाया है, इसमें भी भगवान गीता में स्पष्ट आज्ञा करते हैं कि आ ब्रह्मा भुवनान लोका पुनरावर्तिन अर्जुना। ये जो 14 भुवन में कहीं भी आदमी जाएगा तो ब्रह्मलोक पर्यंत भी उसको उत्तम गति प्राप्त हुई, तो वापिस तो वो पुण्य भोग के उसको इस मृत्यु लोक में ही आना है। तो ये भगवान ने ऐसा ये पूरा जगत बनाया है। और क्रीडार्थ आत्मन इदम त्र जगत कृतमते, ये भागवत जी का वचन है जहां तक मुझे ध्यान है, नाग पत्नियों ने स्तुति करते हुए ये वस्तु कही है। नाग पत्नियों के कालीय मोक्ष के अध्याय में वहां पे क्रीडार्थ आत्मन इदम त्र जगत कृतमते, ये पूरा जगत जो है ये भगवान ने अपनी आत्मा से ही मतलब
इस चीज में एक वस्तु समझो कि अभिन्न निमित्तोपादान कारण इस पूरे जगत का ब्रह्म ही है, और कोई पदार्थ को कहीं और से लेकर जोड़कर मांगकर प्रभु ने कुछ नहीं बनाया। इसको समझाने के लिए ही तृतीय स्कंध सर्गलीला है, और इसी को समझाने के लिए चतुर्थ स्कंध विसर्ग लीला है। सर्ग लीला वो है कि जिन पदार्थों को भगवान ने निर्माण करके और ब्रह्मा जी को दिए, मतलब उपनिषदों में और विशेष करके ब्रह्म सूत्र में भी एक सूत्र आता है आत्मकृतो परिणामात। तो आत्मकृतो परिणामात सूत्र में भी बताया है कि ये जो भी परिणाम है, चाहे वो जगत हो कि जीव हो या माया भी हो, तो माया भी जैसे हमने कल देखा कि दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, तो और सब संप्रदायों में माया का स्वरूप कैसा है, सदसद रूपा है, और सब संप्रदाय माया को सदसद रूपा मानते हैं। कुछ लोग माया को अनिर्वचनीय मानते हैं, कुछ लोग माया को अन्यथा प्रतीति मानते हैं, लेकिन श्री महाप्रभु जी माया को सत्य मानते हैं, माया को भगवत दासी मानते हैं, माया को भगवत शक्ति मानते हैं। श्री महाप्रभु जी माया को लेके कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करते, इसलिए हम मायावादी नहीं हो के ब्रह्मवादी कहलाते हैं। हमारे यहाँ माया के लिए क्या स्पष्ट वर्णन है, अरे माया का तो स्पष्ट वर्णन श्रीमद् भागवत में, विशेष करके वल्लभ मतानुसारी श्रीमद् भागवत पाठ में आप देखोगे तो वेद व्यास जी ने स्वयं ने जब भगवत साक्षात्कार किया तो व्यास जी ने समाधि भाषा भागवत को धारण करने से पूर्व जिस समय आपको साक्षात्कार हुआ, अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम च तदुपाश्रयाम, भगवान वेद व्यास ने परम पुरुष परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को देखा, अपश्यत पुरुषम पूर्णम पूर्ण पुरुष के दर्शन किए, और मायाम च तदुपाश्रयाम और उनके आश्रय में बैठी माया को भी देखा। और मार्कंडे जी को भी भगवान ने जब अपना स्वरूप दर्शन कराया, जब अपना महात्म्य बोध कराया, तो पहले माया के दर्शन कराए, माया में उनने पूरी सृष्टि के दर्शन कराए, और उस मायापति के रूप में बाद में मुकुंद गोपाल के रूप में करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम, जो भगवान का स्वरूप है उसको मनसा स्मरामी कराया मार्कंडे ऋषि को भी। तो वो भी श्रीमद भागवत के द्वादश स्कंद में वो सब कथा सुस्पष्टतया आती है, आप देखें। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो माया है, ये माया भी भगवान की शक्ति होने से सत्यात्मिका है, योग माया है, वैष्णवी व्यतनोन माया है, ये वैष्णवी माया, ये आसुरी माया नहीं है, ये भगवान की माया। इसलिए मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते, जो भगवान का भजन करते हैं वो भगवान की माया को जीतते हैं। उद्धव जी का मत क्या है, उच्चिष्ट भोजनो दासस्तव मायाम जये मही, भगवान की जूठन खाके भगवत अधरामृत का सेवन करके जो भक्त होते हैं वो प्रभु की माया को जीत लेते हैं, मतलब जिनका संपूर्णतया असमर्पित त्याग है, ऐसे असमर्पित त्याग करके अनन्य भाव से भगवत प्रसाद ग्रहण करने वाला जो जीवन जीता वैष्णव है वो भगवान की माया को हंसते हंसते ही तार जाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, हरिणा ये विनिर्मुक्ता ते मग्ना भवसागरे ये निरुद्धास्त एवात्र मोद मायांति हरनिशम, हरिणा ये विनिर्मुक्ता, प्रभु जिनको छोड़ देता है भाड़ में जाओ सबके सब, ऐसा जब विचार प्रभु कर लेता है, तान हम दुष्यत क्रूरान संसारेषु नराधमान, में इसलिए कह रहा हूं ये शब्द मैं ऐसे ही नहीं बोलता, तो जब भगवान स्वयं आप इच्छा कर लेते हैं कि नहीं इसका तो मेरे को कोई उद्धार नहीं करना है, तब तो बात हुई, जो तो नैया डूबने की ही कगार पे है। लेकिन जब कहते हैं हरिणा ये विनिर्मुक्ता, जब प्रभु ने छोड़ दिया आपको, तब क्या होगा, ते मग्ना भव सागर, वो तो भव सागर में, भवकूप में, भव सिंधु में पतित होते हैं, संसार समुद्र में डूब जाते हैं। और इसीलिए हम देख सकते हैं कि आज संसारी लोगों की, संसार आसक्त लोकासक्त लोगों की मात्रा कितनी ज्यादा है। आप क्या हर दूसरे आदमी को क्या भगवद आसक्त और भगवदीय मिलता है क्या आपको, नहीं, संसार में अपने को पूरे दिन लौकिक आसक्त लोग ही आपको मिलेंगे। लेकिन जब आपको ऐसा लगे कि नहीं नहीं अभी तो बड़ा तादृशी है, ये भगवदी है, इसमें अच्छा भाव है, ये एक अच्छा वैष्णव है, तो क्या समझना चाहिए, ये निरुद्धास्त एवात्र मोद माया अंत्यहरनिशम, ये इसको भगवान ने निरुद्ध किया है, भगवान ने इसके मन का निरोध किया है, प्रभु ने इसके मन को ग्रहण कर लिया। और अब जिसने अपना मन प्रभु में लगा दिया, मई एव मन आधत्स्व मई बुद्धिम निवेशय, जिसने कर लिया अब उसका उद्धार होने में कोई भी संशय नहीं है। न चिरात पार्थम, भगवान कहते हैं ना मैं तो उसमें देर लगाता ही नहीं, फिर मय्यावेशित चेतसाम, जो मय्यावेशित चित्त वृत्ति वाले हैं, जिनका आविष्ट चित्त प्रभु के चरणारविंद में, प्रभु के लीला में, भगवत गुणानुवाद में हो चुका है, उनका उद्धार तो प्रभु तुरंत करते हैं। तो एक वस्तु समझो,
श्रीमद् भागवत में प्राप्त होती ब्रह्मा जी को दी हुई भगवान की जो चतुश्लोकी है, वो चतुश्लोकी में भी भगवान चार ही पदार्थों का आप निरूपण करते हैं। यहाँ क्योंकि ब्रह्मवाद का संबंध आया है इसलिए मैं आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। द्वितीय स्कंद में श्री ठाकुर जी भगवान के और ब्रह्मा जी के संवाद में जो चतुश्लोकी भागवत प्रकट होती है, उस चतुश्लोकी भागवत के चार ही प्रधान बिंदु हैं जिन पे वो पूरी चतुश्लोकी भागवत चल रही है। ब्रह्म का स्वरूप, जीव का स्वरूप, जगत का स्वरूप और माया की निवृत्ति के उपाय, निवृत्ति का प्रकार, माया को निवृत्त करने का प्रकार। माया का स्वरूप नहीं बताया गया है, क्यों? माया का स्वरूप बताने से कोई लाभ नहीं है। माया दिखने वाली नहीं है, वो अनुभव में आने वाली वस्तु है, वो त्रिगुणात्मिका है, वो सत्व रज तम के रूप में अपने को फील होगी। तो इसलिए वहां पे भगवान का स्वरूप अहमेव असमेव अग्रे नान्यत् यत् सतत् परम पश्चात् अहम् यदेच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् रतेर्थम् यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्याद्आत्मनो मायां यथा भासोत्तम इत्यादि वाक्यों में पहले ब्रह्म का स्वरूप, जीव का स्वरूप, जगत का स्वरूप और माया की निवृत्ति के प्रकार या उपाय, ये चार बता के भगवान स्पष्ट कह रहे हैं ब्रह्मा जी को, एतन मतम समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान कल्प विकल्पेशु न विमुह्यति कर्चित। तुम मेरी ये चार बातों को यदि ब्रह्मा बराबर समझ गए ना, तो किसी भी कल्प में तुमको मोह नहीं होगा। इसलिए श्री महाप्रभु जी ब्रह्म मोह के अध्यायों को प्रक्षेपण मानते हैं। इसलिए महाप्रभु जी लीला में हुए हुए ब्रह्म मोह के तीन अध्यायों को श्री महाप्रभु जी कहते हैं ये प्रक्षिप्त अध्याय है। बस महाप्रभु जी सुबोधनी क्यों करते हैं? क्योंकि ये प्रक्षेपण और किसी और ने नहीं किया है, स्वयं सुखदेव जी ने किया है। सुखदेव जी ने राजा के प्रश्न के उत्तर के रूप में, और ये उत्तर, ये प्रश्न क्या, प्रश्न ये था कि अघासुर का वध जब भगवान ने किया, तो जब ब्रजभक्तों ने आके अघासुर को देखा तो उसका तो वहां कंकाल मात्र ही अवशिष्ट रह गया था, तो वो कंकाल मात्र अवशिष्ट कैसे उनको देखना मिला? क्या इतना समय ये बच्चों ने, जिन्होंने ये अघासुर वध देखा, इन्होंने जाके क्यों ब्रजवासियों को नहीं कहा कि आज प्रभु ने अघासुर को मारा? तो उस प्रश्न के समाधान के लिए क्या होता है, सुखदेव जी को बताना पड़ता है कि भाई ऐसा है, पद्म पुराण में इसका उत्तर दिया हुआ है। पद्म पुराण की पद्मोक्त कौतुक लीला में ये तीन अध्यायों में बताया गया है कि ये सब गोप बाल तो चोरी हो गए थे, ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने देखा इन सबको, प्रभु के साथ छाक लीला का आनंद लेते, ब्रह्मा जी इनको चुरा के ब्रह्मलोक रखे आए, फिर ब्रह्मा मोहन जब निवृत्त हुआ, प्रभु का साक्षात्कार हुआ, प्रभु की स्तुति हुई, ये वापिस ब्रह्मलोक से लेके आए, जब ये वापिस जागे तब इनने जाके वहां ब्रजभक्तों को बताया, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे अघासुर जैसे दैत्य को भगवान ने मार दिया। तो वो देखने गए, साक्षी लेने गए कि वास्तव में क्या अघासुर मर गया, देखा तो वहां केवल कंकाल मात्र अवशिष्ट था, क्योंकि इतने कार्यक्रम में एक साल व्यतीत हो गया था। उनका ब्रह्मलोक जाना, ब्रह्मलोक से आना, प्रभु का उतने समय पे उस गोप मतलब ग्वाल बाल बछड़े बन के ब्रज में सब लीला करना, दाऊजी का विस्मय करना, दाऊजी प्रमाण स्वरूप, इसलिए सबसे पहले बलदेव जी को पता चलना कि ये तो ब्रह्मा जी की बड़ी दुस्साहस है, ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी ने किया, और ये तो साक्षात इन सब ग्वाल बछड़ाओं के रूप में मेरे प्रभु, ये प्रमेय स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ही हैं जो ये सब ग्वाल बाल बछड़ा बने हुए, ये सारा कार्यक्रम होने में क्योंकि एक साल व्यतीत हो गया, और इसलिए ये तीन अध्यायों को पद्मोक्त कौतुक लीला प्रकरण श्री महाप्रभु जी मानते हैं कि ये कौतुक लीला के अध्याय है, ये श्रीमद भागवत की लीला नहीं है, ये सारस्वत कल्प की लीला नहीं है। क्योंकि जिस समय भगवान ने उनको ये चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया, उसमें सुस्पष्टतया कहा भवान कल्प विकल्पेशु न विमुह्यति कर्चित्, आगे अब तुझे कभी भी मोह नहीं होगा ब्रह्मा, तू इन सब बातों को बराबर जान ले। उसी प्रकार से हमको भी कभी भगवत स्वरूप में, मार्ग स्वरूप में, सेव्य स्वरूप में, सृष्टि की, सृष्टि प्रक्रिया के समन बोनम थियरी में हमको कोई प्रकार का संशय न हो, इसलिए भी हमको यहाँ ये बताया गया है कि क्रीड़ार्थम असृजत पूर्वम स्वात्मना स्वात्मकम जगत, ये पूरे जगत को, जीव को, इस लीला सृष्टि को प्रभु ने अपने में से ही आत्मकृतो परिणामात, भगवान ने अपनी तरफ से नाना वो नाना अंशो व्यपदेशात, ये सब भी सूत्र है, नाना अंशो व्यपदेशात ने जीवों की उत्पत्ति का स्वरूप बताया है, और आनंदमयाधिकरण में, आनंदमयोभ्यासात में भगवान ने अपने स्वरूप का वहां पे निरूपण किया है। तो आनंदमयोभ्यासात, आत्मकृतो परिणामात,
नाना अंशो व्यपदेशात इत्यादि सूत्रों से समझ में आता है कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन बादरायण वेदव्यास ने भी श्री महाप्रभु जी के मत से ही अपने शास्त्रों को प्रकट किया है। ये एक इतर बात है कि उनके ग्रंथों पे बहुत से संप्रदायों ने अपने अर्थ भी प्रकट करके और अपने अपने स्वतंत्र भाष्य और अपने संप्रदाय की पद्धति को सृजा है, लेकिन मूल रूप से तो शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद ही व्यास की प्रत्येक कृति का तात्पर्य है। इसको समझाते हुए यहाँ प्रभु और चरण गोपीनाथ जी भी समझा रहे हैं कि क्रीडार्थम असृजत पूर्वम स्वात्मना स्वात्मकम जगत, पूर्व में ही भगवान ने ये स्वात्मना खुद ने अपने आप से और स्वात्मकम ये अपने आदि भौतिक स्वरूप से जगत को आदि दैविक स्वरूप से और चिदंश चिदानंद रूप से जीव को और आनंद रूप से भगवान ने अपने स्वयं के अवतार आदि श्री विग्रहों को इनको रचा है। और तत्र काय भवा पुष्टि लीला सृष्टिरनुत्तमा, इसको हमने दो दिन पूर्व में समझा था कि इच्छा मात्रेण मनसा प्रवाहम सृष्टवान हरि वचसा वेद मार्गम ही पुष्टि कायेन निश्चय। पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद में महाप्रभु जी ने समझाया है कि प्रवाही सृष्टि को भगवान ने अपने मानसिक संकल्प से इच्छा मात्र से प्रकट किया, वचसा वेद मार्गम ही वाणी से भगवान ने मर्यादा मार्गी लोगों को मर्यादा सृष्टि को बनाया, और अपने देह से मतलब अपने आनंद मात्र कर पाद मुखोदरादि अपने रसो वही सह आनंद घन और कोटिकंदर पर लावण्य अपने खुद के श्री विग्रह से अपनी सेवा करने वाली एक कम्युनिटी को पुष्टि को दैवी जीवों को भगवान ने क्रिएट किया। और वो क्रिएशन क्यों था तो वो स्पष्ट महाप्रभु जी ने उसी ग्रंथ में कहा, तस्मा जीवहा पुष्टि मार्गे भिन्ना एव न संशय भगवद रूप सेवार्थम तत्सृष्टिर नान्यथा भवे। और कोई कारण होता तो प्रभु प्रकट ही नहीं करते जीवों को, लेकिन इन पुष्टि जीवों को इसीलिए प्रकट किया है ताकि भगवद रूप सेवार्थम ये भगवद रूप जो तत्व हैं हरि गुरु वैष्णव गौ ब्राह्मण दीनहीन सब लोगों की सेवा में ये प्रवृत्त हो सके। संसार में जो पीड़ित हैं, संसार में जो इस समय आवश्यक है कि उन लोगों पर ध्यान दिया जाए, उनसे शुरुआत करके और ये ब्रह्म पर्यंत ये सबकी सेवा में अपने हाथ पवित्र करके जीवन कृतार्थ कर सके। इसलिए तत्र काय भवा पुष्टि लीला सृष्टिर अनुत्तमा, भगवान ने पहले तो क्रीड़ा के अर्थ आपसु स्वात्मक इतने भगवदात्मक जगत प्रकट कियो, ता जगत में जो दैवी जीव हैं तिनको अपनी काया के प्रकट पुष्ट सृष्टि उत्तमोत्तम लीला में अंगीकार कियो। ये लीला सृष्टिर अनुत्तमा, ये उत्तमोत्तम जो लीला सृष्टि है उसमें इस पुष्टि दैवी जीवों का अंगीकार किया है। श्रीमद भागवत तो यहां तक स्पष्ट करती है कि पार्थांस्तु देवो भगवान मुकुंदो गृहीतवानासक्षति देव देव। जब पांडवों की उत्पत्ति हुई थी तो पांडव जो थे मर्यादा पुष्टि के जीव थे, लेकिन भगवान ने प्रथा के संबंध से अर्थात कुंती जी के संबंध से उनपे कृपा करके और उनको पुष्टि मर्यादा में ग्रहण किया। इसीलिए आज भी अर्जुन उद्धव आदि जो भक्त हैं वो मर्यादा पुष्टि के जीव नहीं है, वो पुष्टि मर्यादा के हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन का शिष्यत्व वरण किया, जब उसके प्रपन्न भाव को शिष्यता को स्वीकार किया, तब वो मर्यादा पुष्टि से पुष्टि मर्यादा का जीव हो गया। उसी प्रकार से भगवान ने मर्यादा पुष्टि के जीव उस उद्धव जी को, उद्धव जी कौन है, वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमा, ऐसे बुद्धिमान उद्धव को भगवान ने ब्रज भक्तों के पास, गोपीजनों के पास, गोप सीमंतनियों के पास, ब्रजांगनाओं के पास, ब्रज ललनाओं के पास भेजा और कहा इनको ज्ञानोपदेश करो और उस ज्ञानोपदेश में इनके ज्ञान का हरण करके भक्ति का संपादन करो। और जब ब्रज भक्तों ने इनके ऊपर कृपा करी, अपना स्वरूप ज्ञान कराया, पहले तो ब्रज भक्तों ने अपना खुद का स्वरूप ज्ञान कराया, उनके हृदय में विराजमान ठाकुर जी का स्वरूप ज्ञान उनको भावपूर्वक कराया, जब उनका ज्ञान तिरोभूत हुआ, भक्ति का उनमें संचार हुआ और उनके हृदय से गोपीजनों की स्तुति प्रकट हुई, गोपीजनों का स्तवन करते करते छल्ले उन्होंने यहां तक कह दिया कि वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम अभिक्षश यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। ये पूरे तीनों लोकों को पवित्र कर सकते हैं गोपीजन, क्योंकि इनके द्वारा गाए हुए जो गीत है, इनके द्वारा गाई हुई जो भगवद लीला है, उस भगवद लीला के श्रवण मात्र से ही तीनों लोग पवित्र हो रहे हैं।
ये तीनों लोकों को पवित्र करने वाले वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम, ये नंदराय जी, यशोदा जी आदि सब गोकुल के वासी, ये वृंदावन निवासी, ये सब गोपीजन, ये सबों ने जो लीला चरित्र का गान किया है, तो देखो उनको भी फिर मर्यादा पुष्टि से पुष्टि मर्यादा में लिया, उनके ऊपर गोपीजनों की कृपा हुई, गोपीजनों की कृपा के लिए उनके ऊपर भगवत कृपा हुई, और जब भगवत कृपा हुई श्री कृष्णानुग्रहित एक प्रार्थनीय पदाम्बुज जब वो हुए, तब जैसे श्री गुसाई जी का ये नाम है वैसे ही आप समझो कि उनके ऊपर ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि गोपी जनों जैसा उनको गुरु मिला। ऐसे गुरु मिलने में तो वो सर्वदा से ही हमेशा भाग्यशाली रहे उद्धव जी, क्योंकि पहले भी वो बृहस्पति के शिष्य थे, देवगुरु बृहस्पति, मतलब देवगुरु बृहस्पति मतलब बृहस्पति जो ऋषि है वो देवताओं को एजुकेट करते थे, इंसानों को नहीं। जहां पे देवता और जितने भी यक्ष गंधर्व आदि सब उत्तम योनि में रहने वाले जो लोग जिनके पास एजुकेट होते थे उनके पास जाके उद्धव जी ने और ज्ञानोपार्जन किया था। ऐसे ज्ञानी को भी भक्त बनाकर और उनको अपने महात्म्य का बोध जिन्होंने कराया है वो भगवान श्री गोपीजन वल्लभ परात्पर परब्रह्म पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही है। उनका काम है कि दैवी जीवों को, पुष्टि जीवों को लीला सृष्टि अनुत्तमा, उत्तमोत्तम लीला सृष्टि में उनका अंगीकार करें, और इसी कारण मैं कहता हूं यत्रांगीकरणे नैव योग्यतादि विचारणम अविलंब प्रभुकृत पुष्टि मार्ग स कथ्यते। पुष्टि मार्ग उसी को कहते हैं कि जहां बिना विलंब किए योग्यता आदि का विचार किए बिना भगवान तुरंत अंगीकार जहां पे करते हैं, जहां श्री कृष्ण की अंगीकृति ऐसी है कि अंगीकृत्यैव गोपीश वल्लभीकृत मानव, जिसका अंगीकार श्री महाप्रभु जी गोपीश गोपीजन वल्लभ प्रभु से कराएं वो प्रभु का प्रिय, प्रभु का वल्लभ हो जाता है। तो आज ठाकुर जी की वल्लभी जो अपन सृष्टि है अपन को यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि वामांश संभवानांतु भजनानंद लब्धये विशिष्टानां ततोन्येषां नान्या साधन पद्धति। प्रभु के वाम अंश सो प्रकट भये जीव के, जिनको प्रभु ने भजनानंद को दान करवे को प्रकट किए हैं विनको याते भिन्न दूसरो कोई उपाय नहीं है। आज ये स्पष्ट कह रहे हैं कि वामांश संभवानंतु, अपन प्रभु के वाम अंग में से समुद्भूत हुए हैं। पुष्टि जीवों की उत्पत्ति कहां से हुई है? वाम अंग में से हुई है। वाम अंग किसका होता है? वामा स्त्री को कहते हैं। वाम अंग स्त्रियों का, स्त्री का माना जाता है। हमेशा पुरुष के वाम भाग में स्त्री होती है। जैसे आपने रामचंद्र जी के ध्यान में भी देखा होगा कि उसमें दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मज पुरुतो मारुतिर्यस्य तम वंदे रघुनंदनम। रामचंद्र जी भी जब खड़े रहते हैं तो उनके वाम भाग में सीता जी होती हैं, दक्षिण भाग मतलब राइट हैंड साइड में लक्ष्मण जी होते हैं, और आगे की तरफ वीरासन में आप हनुमान जी बैठते हैं। तो वाम अंग जो होता है वो हमेशा स्त्री का होता है। आप माधुर्य खंड में श्री यमुना जी विषय जितनी भी वस्तु गर्ग संहिता में पढ़ोगे उसमें सुस्पष्टतया आएगा कि भगवान के वाम अंग में से आप संभूत हुई हैं। वंदे लीला वतिम ताम सघन घन निभाम श्री कृष्ण वामांस भूताम जित्ताम वैराजाख्यम सकल जय जयम खंड यंतिम बलात्स्वा। यमुना जी विषय जब भी बात होगी तो यमुना जी की उत्पत्ति भी भगवान श्री कृष्ण के वाम अंग में से ही बताई जाएगी। राधा जी की उत्पत्ति भगवान के वाम अंग में से ही बताई जाएगी। राधा जी जहां कहां विराजती है, राधा जी भी सर्वदा वामा होके ही विराजती है। जहां भी युगल स्वरूप के आप दर्शन करोगे श्री स्वामी जी कहां होंगे, आप वाम भाग में विराजेंगे। आप देखोगे मर्यादा मार्ग में प्राय ऐसा नहीं है। मर्यादा मार्ग में तो जिस समय अभिषेक होगा उस अभिषेक के समय पे ही पत्नी स्तु वाम भागे, तब पत्नी को वाम भाग में लाया जाएगा। वैदिक कर्म कांड में तो स्त्री को हमेशा दक्षिणावर्ती रखा जाता है ताकि वो अपने राइट हैंड को हाथ लगा सके, यज्ञ आगादि में सहभागी हो सके। जब भी चौक बैठेगी स्त्री अपने पुरुष के साथ तो उसके दक्षिण भाग में बैठेगी, लेकिन जब उनको टीकी होगा, तिलक होगा, गठजोड़ा बंधेगा, उनको उनका अभिषेक अवभृत स्नान आदि कुछ भी होगा तो जब भी अभिषेक होगा तब उसको वाम भाग में लाया जाता है। तो वाम अंग जो है वो हमेशा स्त्री का माना जाता है। इसीलिए अपने यहाँ पूरा सेवा प्रकार अपन दैवी जीवों को स्त्री स्वभाव और स्त्री भावना से ही बताया गया है। माधुर्य भक्ति बताई गई है, वात्सल्य भक्ति बताई गई है, जिसमें परम पुरुष पूर्ण पुरुष और पुरुषोत्तम रूप से तो भगवान श्री कृष्ण को ही रखा जाता है। अपन सब गोपीजनों के भाव से सेवा करते हैं, इसलिए सेवा करने वाला तो स्त्री भावापन नहीं होता है। वो क्यों होता है तो यहाँ समझा रहे, वामांश संभवानंतु भजनानंद लब्धे। या भजनानंद लब्धे
तुमको सेवा का आनंद लेना है तो समझो तुम कहां से आए हो, तुम प्रभु में से ही उत्पन्न हुए, प्रभु के वाम अंग में से समुद्भूत हुए हो, बराबर ना। आज भगवान के धाम का और भगवान के धाम में भगवान के नित्य रमण का वर्णन करते हुए नमो नमस्ते स्तु वृषभाय सात्वताम विदूर काष्ठाय मुहुक्कु योगिनाम निरस्त साम्याति शयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रमस्यते नमः। अपने धाम में ब्रह्म रममाण जो है श्री राधा जी के संग, वो कैसे है तो वो कह रहे हैं कि ये कुयोगी नाम, जो कुयोगी है वो ये सब बात नहीं समझ सकते, जो सुयोगी नाम है उनको ही ये सब चीज गम्य है। तो अपने को भी समझना चाहिए कि विशिष्टा नाम दतोन्येषा नान्या साधन पद्धति, इससे इतर तो कोई साधन पद्धति है ही नहीं। मतलब प्रभुर नंद कुमारों में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोहम 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 न संशय। अपनी कृतार्थता में तो एक ही विश्वास होना चाहिए कि प्रभुर नंद कुमारों में नंदराज कुमार मेरे प्रभु हैं और स्वामिनी जी जो हैं वो मेरी वृषभान जी की आत्मजा हैं, स्वामिनी वृषभानुजा, और वो बस इसी से हमारी कृतार्थता है। तो यहाँ कह रहे वामांश संभवानंतु भजनानंद लब्धे विशिष्टानाम दतोन्येषाम नान्या साधन पद्धति, भिन्न दूसरा तो कोई प्रकार है ही नहीं। और विशिष्टानाम विशेष हेतु से प्रकट कहे गए हैं, यहाँ पे विशिष्टानाम मतलब इनकी सृष्टि विशेष है, ये ऐसे ही नहीं आ गए हैं पृथ्वी पे। और अब उसका यहाँ पे एक प्रमाण दे रहे हैं, प्रमाण कहाँ से दे रहे हैं, मुझे जहां तक स्मरण हो रहा है पुरंजनोपाख्यान में ये श्लोक श्रीमद् भागवत में प्राप्त होता है। तो पुरंजनोपाख्यान का यहाँ पे एक प्रमाण देते हुए कह रहे हैं यस्यायम अनुगृह्णाति भगवान आत्मभावित स जहाति मतिम लोके वेदे च परिनिष्ठताम। आत्मतया भावित भगवान जापे कृपा करे हैं वो भक्त लोक अरु वेद में परिनिष्ठित अपनी मति को त्याग दे है। मतलब लोक और वेद में जो अपनी मति है उसको कौन त्याग देता है, जिसपे प्रभु कृपा करते हैं। लोके स्वास्थ्यम तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति पुष्टि मार्गे स्थितो यस्मात् साक्षिणो भवता किला नवरत्न। देखो कैसा होता है, आप लोगों को ग्रंथ याद आ जाता है पर कहाँ का वाक्य वो जल्दी से स्फुरण नहीं होता। तो वाक्य बोल लेते हो साथ में लेकिन याद भी करो कहाँ का वाक्य है। नवरत्न में इसी चीज को श्री महाप्रभु जी बता रहे हैं कि यस्यायम अनुगृह्णाति, ये थोड़ा आगे का जो पद है वो थोड़ा पुरंजनोपाख्यान में अलग दिया हुआ है, यद्यस्य अनुगृह्णाति ऐसा कुछ वहां पे शब्द मिलता है। पर एक्चुअल अगर यहाँ उद्धरण इस वाक्य से शुरू होके दिया है मतलब पाठ भेद वल्लभाचार्य मत सम्मत यही है, यस्यायम अनुगृह्णाति भगवान आत्मभावितः स जहाति मतिम लोके वेदे च परिनिष्ठताम। यस्यायम अनुगृह्णाति जिसपे भगवान अनुग्रह करना चाहता है, भगवान आत्मभावितः भगवान अपनी इच्छा से इच्छा करता है कि इसकी अंतरात्मा में मैं प्रकट हूं, इसमें विराजू। स जहाति मतिम लोके वेदे च परिनिष्ठताम, तो उसकी लौकिक और वैदिक में जो निष्ठा है उसको हरण करके और अपने में उसकी निष्ठा का भगवान स्थापन करता है। तो ज्ञान कर्म निष्ठा तदा ज्ञेया यदा चित्तम ही शुद्ध्यति, ज्ञान निष्ठा तदा ज्ञेया सर्वज्ञो ही यदा भवे, भक्ति निष्ठा तदा ज्ञेया यदा कृष्णम प्रसिद्धति। तुम अब भक्ति में निष्ठ हुए हो उसका प्रमाण क्या है, तो श्री महाप्रभु जी तत्वार्थ दीप निबंध शास्त्रार्थ प्रकरण में आज्ञा करते हैं कि भक्ति निष्ठा तदा ज्ञेया यदा कृष्णम प्रसिद्धति, जब कृष्ण तुम पे प्रसन्न हो जाए तब तुम्हारे में भक्ति की निष्ठा प्रकट हुई है, ऐसा विचार के चलना चाहिए। भगवान अपने ऊपर खुद कृपा करके अपनी लौकिक वैदिक में से रति हरते हैं मति हरते हैं और अपनी ओर गति करते हैं। तो जो बार बार कृष्ण एव गतिर ममा कृष्ण एव गतिर ममा श्री महाप्रभु जी आप आज्ञा कर रहे हैं वो इसी अर्थ में श्रीमद आचार्य चरण आप आज्ञा कर रहे हैं कि देश काल द्रव्य मंत्र कर्ता कर्म धर्म अर्थ काम मोक्ष जिस समय कामना कर रहे हो उस समय एकमात्र श्री कृष्ण ही मेरी गति है, ये भावना ही शरणागति भगवद आश्रय और अनन्य चिंतन को बनाए रखने में समर्थ बनती है। और यहाँ पे जो ये आज्ञा हुई है कि आत्मतया भावित भगवान जापे कृपा करे हैं वो भक्त लोक अरु वेद में परिनिष्ठित अपनी मति को त्याग दे है। आज देखो जिस समय पे भगवान ने अपने स्वरूप का दर्शन अपने लोक का अपने धाम का दर्शन समस्त नंदादि गोप बालकों को आपने ब्रह्म हृदय में तेतु ब्रह्म हृदय नीता धृता कृष्णेन चोद्रता इत्यादि वाक्यों से श्रीमद् भागवत जी में आता है कि किस प्रकार से भगवान ने अपने स्वरूप का अपने लोक अपने धाम का दर्शन करा के और जो इस देह से मोक्ष प्राप्त कर सकते थे ब्रजभक्त उनमें भी ब्रजभक्तों में पुरुष ब्रजभक्त उन सब पुरुषों को करा दिया। उसके बाद जब भगवान की रास लीला महारास लीला प्रारंभ हुई तो वहां पे आप देखो कि रास के
अध्याय के प्रारंभ में ही, मतलब श्री भगवान उवाच, और श्री भगवान उवाच से सीधे क्या शुरू होता है, भगवान अपि शिशुक उवाच, भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया उपासित, तो शिशुक उवाच से जहां से ये पहला रास का अध्याय और पहला श्लोक प्रारंभ होता है उसकी कारिकाओं में श्री महाप्रभु जी स्पष्ट आज्ञा करते हैं, ब्रह्मानंदात समुद्रत्य भजनानंद योजने, ये प्रभु की लीला वो शुरू हो रही है कि अब ब्रह्मानंद में जो निमग्न थे उनको तो आपने ब्रह्मानंद की प्राप्ति करा दी, अब जो ब्रह्मानंद से ऊपर जिनको भजनानंद देना है उनको वहां ब्रह्मानंद से निकाल के अब भजनानंद में प्रभु लगा रहे हैं, मतलब अब तामस फल प्रकरण में अब प्रभु जब रास आदि लीला की कृपा करने जा रहे हैं तब उनको ब्रह्मानंद से निकाल के भजनानंद में लगा रहे हैं। यहाँ पे भी स्पष्ट कहा है कि वामांश संभवानंतु भजनानंद लब्धये विशिष्टानाम ततोन्येषां नान्या साधन पद्धति, उनको तो और कोई गति नहीं, उनको लौकिक में वैदिक में और पारलौकिक में कोई भी चीज में लगाओगे तो वो लोग वहां सफल नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो पुष्टि जीव है, पुष्टि जीव सेवा मार्ग में ही सफल हो सकता है। यस्यायम अनुगृह्णाति भगवान आत्मभावित सजहाति मतिम लोके वेदे च परिनिष्ठताम, यहाँ पे 54वां श्लोक हुआ। अब 55वें श्लोक में आप स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं कि अनुग्रहे नियोज्योतः संग्रह श्रुति सम्मत महताम समयो मानम महांतोत्र हरे प्रियाः, ये 55वां श्लोक है, इसको खास ध्यान से देखें के अनुग्रहे नियोज्योतः संग्रह श्रुति सम्मत महताम समयो मानम महांतोत्र हरे प्रियाः, भगवत भक्ति में मति स्थिर होए तदर्थ लोक वेद में आसक्त देवी जीव को भगवत अनुग्रह मार्ग के प्रति प्रेरित करने चाहिए, ऐसो लोक संग्रह परोपकार हु वेद सम्मत ही है। यहाँ प्रमाण महान पुरुषन को आचार हु है, भगवान को जे प्रिय है वे ही वस्तुतः महान है। महताम समयो मानम महान तोत्र हरे प्रिया, वास्तव में महान कौन है, गोपीनाथ जी आप आज्ञा कर रहे हैं, महान वास्तव में वो है जो प्रभु को प्रिय है। अब जो प्रभु को प्रिय है उनको क्या करना चाहिए, महताम समयो मानम, अपने को उन महत्पुरुषों का महाजनो ये गतस्य पंथा, और महाजनो ये गतम स पंथा के साथ भगवान ने एक बार कितनी सुंदर आज्ञा गीता जी में और भी कही है, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्देव तरो जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते, किसका अनुवर्तन करना है, जो श्रेष्ठ पुरुष श्रेष्ठ मार्ग का अवलंबन करके आगे गए हैं, तो यदि आचरति श्रेष्ठ, जो आचरण श्रेष्ठ पुरुषों ने किया है, तत्तदैव इतरो जनः सयत प्रमाणम कुरुते, उन्होंने प्रमाण पूर्वक जो किया है लोक को उसका ही अनुवर्तन करना चाहिए। तो अनुग्रहे नियोज्योत संग्रह श्रुति सम्मत, ताते एतादृश ऐसे अनुग्रह, अनुग्रह में नियोज्योत प्रेरित करने, आज प्रभु का अनुग्रह लोगों पे हो उसकी भी प्रेरणा का कारण अपने को बनना चाहिए कि ये सेवा मार्ग में आएगा तो इसके ऊपर प्रभु कृपा करेंगे, अगर ये सेवा ठाकुर जी की थोड़ी बहुत भी करेगा तो प्रभु की कृपा होगी। आप देखो, आप किसी की थोड़ी सी लोक में भी सेवा करो, वो उसके कृपा के दायरे में आप आ जाते हो कि नहीं आ जाते, उसको आप अच्छे लगने लग जाते हो कि नहीं लगते, सहज में आदमी बोलेगा। आप किसी चढ़ते बूढ़े आदमी को हाथ दे दो, उसको लगेगा देखो ये बड़ा संस्कारी व्यक्ति है, इसने मेरे को सहारा दिया। आप किसी को एकदम खांसी आई ठसका आया, आप उसको थोड़ा सा जल ऑफर कर दो, उसको कितना अच्छा लगेगा कि देखो इसको मेरी चिंता हुई। आज आप थोड़ी सी किसी की सेवा करोगे तो आप प्रिय हो जाओगे। आप सोचो इतने महान ठाकुर जी की आप थोड़ी 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 सेवा करोगे तो क्या प्रियत्व संपादन नहीं होगा, महान प्रियत्व संपादन होगा। अभी ठाकुर जी साथ प्रेम था इना वाटे शू करू, अरे महाप्रभु जी ने कहीं कोई उपदेश ही नहीं किया है कि प्रेम कैसे ठाकुर जी से करनो, अरे प्रेम ठाकुर जी तुमसे खुद करवाएगा, तुम सेवा तो करो, सेवा करो की ही आज्ञा संप्रदाय में मिलेगी, कहीं भी प्रेम करो ऐसी आज्ञा नहीं मिलेगी, प्रेम अपने आप होगा। ये पूरा क्रम जो है वो अरेंज मैरिज का है, लव मैरिज की पंचायत नहीं है। अरेंज मैरिज की क्या व्यवस्था है, सेवा करते जाओ प्रेम होता जाए, और वहां क्या है, प्रेम तो हो गया, अब सेवा होए ना होए, प्रेम तो हो गया, अब सेवा कोई कौन किसकी करे वो तो भगवान को ही मालूम। अरेंज मैरिज में तो सीधी सीधी बात है, जो जिसकी जितनी सेवा करेगा उसके उतना उतना प्रेम संपादित होगा, यही ब्रह्म संबंध है। ब्रह्म संबंध टोटल अरेंज मैरिज विधान है, उसमें भी जो मियां बीबी हैं और काजी हैं और तीनों जन मिलके राजी हैं, और फिर कबूल कबूल कबूल, ठाकुर जी स्वयं निकल लेते दासो हम सुन के,
बराबर। तो अपने यहाँ का जो निकाह है वो बड़ा गजब का निकाह प्रभु का साथ है और वो कर ही लेना चाहिए अपने को। क्यों? क्योंकि वो अनुग्रह के दायरे में आने की एक व्यवस्था है। उधर से हमारा सेवा मार्ग शुरू होता है, सेवा क्रम शुरू होता है। इसीलिए देखो अपने यहाँ परंपरा ही ऐसी रही कि जैसे ही बच्चा बड़ा हुआ उसको तुरंत माता पिता आके गुरु से विनती करते ही हैं कि अगर आप उचित समझो और अगर अब ये बड़ा हो चुका है तो आप इसका ब्रह्म संबंध करा दो। क्यों ब्रह्म संबंध चाहिए भाई उसको? ताकि हमारे साथ सेवा में जुड़ सके। सेवा में जुड़ने के लिए ब्रह्म संबंध है। ये एक और बात है कि आजकल कितने विचित्र लोग हैं कि जो टूरिज्म और पिलग्रिम के हिसाब से भी ब्रह्म संबंध लेने आ जाते हैं कि हमें बैठक जी करवा जाइए छे इतने ब्रह्म संबंध करावू छे। तुम बैठक जी करने जाओ के मत जाओ। अब चाहे ये भी क्या जबरदस्ती है बैठक जी वालों की के ब्रह्म संबंधी को ही चरण स्पर्श हो। महाप्रभु जी के चरणारविंद तो अष्टाक्षर श्रवण किए हुए को भी तो हो सकते हैं। आप 84 वैष्णव वार्ता में देखो महाप्रभु जी ने सबका ब्रह्म संबंध नहीं कराया है। कितने लोगों का तो केवल नाम निवेदन हुआ है। अगर केवल कंठी भी प्राप्त हुई है श्री कृष्ण शरणम मम का श्रवण करके यदि भगवत शरणागति प्राप्त उसको हो चुकी है तो शरणागत जीव को महाप्रभु जी चरण स्पर्श क्यों नहीं देंगे? ये तो बड़ी एक आफत की बात है कि ब्रह्म संबंध हो तो चरण स्पर्श हो। अरे हमारे यहाँ खूब होते हैं बच्चे तो कितने बड़े हो जाते हैं। हम खुद वल्लभ कुल गोस्वामी बालकों का तो ब्रह्म संबंध हमारी यज्ञोपवीत के बाद होता है। हमको पहले गायत्री मिलती है, गायत्री के बाद हमारा आत्मनिवेदन संस्कार होता है। तो यज्ञोपवीत संस्कार के तुरंत बाद हमारा आत्मनिवेदन होता है। तो क्या उतने साल हम चरण स्पर्श नहीं करते? हम खूब करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, जारी भरते हैं। हमको कौन सी सेवा नहीं मिलती? हमको मुख्य स्वरूप के थाल सान्य नहीं मिलते? हमको बड़ी जारी मिलनी नहीं मिलती? आरती करनी नहीं मिलती? शंखोदक धूप दीप जो वैदिक क्रम है वो वैदिक क्रम हमको नहीं मिलते? क्योंकि वेदाधिकार तो तभी फलित होंगे ना जब यज्ञोपवीत होगा। तो हमको वो सब क्रम नहीं मिलता। हम अधिवासन नहीं कर सकते, पंचामृत नहीं कर सकते, शंखोदक धूप दीप नहीं कर सकते। हम अर्चन भक्ति के जो प्रकार हैं वो सब नहीं कर सकते। पर हमको कोई भगवान के स्पर्श करने से थोड़ी रोकता है कि तुम ठाकुर जी को छू भी नहीं सकते। ऐसे कोई अछूत नहीं है जिसका ब्रह्म संबंध नहीं हुआ। ब्रह्म संबंध जिसका नहीं हुआ है फिर भी व्यक्ति अगर वो शरणागत है, मार्ग में उसकी शरणागति प्रपत्ति सिद्ध हुई है, अष्टाक्षर उसने श्रवण किया है, उसको बचपन में कंठी दी गई है, तो कायदे सर वो महाप्रभु जी के चरण स्पर्श कर सकता है, वो वहां अपरस कर सकता है, वो वहां अन्य सेवा कर सकता है। हाँ महाप्रभु जी क्योंकि वहां पुरुषोत्तम भाव से विराजते हैं तो जैसे अपने घर में सेवा के लिए ब्रह्म संबंध आवश्यक है, ऐसे वहां महाप्रभु जी की अन्य अन्य सेवा के लिए भी ब्रह्म संबंध आवश्यक है। ब्रह्म संबंध की अनावश्यकता मैं नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं चरण स्पर्श के लिए ब्रह्म संबंध करना जरूरी नहीं है। ब्रह्म संबंधी को महाप्रभु जी के चरण स्पर्श सुलभ है, लेकिन ऐसे भी कोई दुर्लभांग्री सरोवर महाप्रभु जी नहीं है कि जो अष्टाक्षर प्राप्त व्यक्ति भी उनके चरण न छू सके। तो ये सब चीजें जो हैं वो अपने को अपने अर्थ में समझनी चाहिए कि अनुग्रह नियोज्योत संग्रह श्रुति सम्मत महताम समयो मानम महांतोत्र हरिप्रिया। ये अपना धर्म बनता है कि अपन अपने साथ अपने प्रिय वैष्णवों को सर्वदा सत्कार्य भगवत कार्य और सत्संग के लिए प्रेरित करें। अपन उनको सर्वदा अपने साथ उनका धर्म याद दिलाएं। अपन को उनके साथ प्रपंच और पंचायत नहीं करनी है कि क्यों नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, क्यों नहीं करता है। नित्य एक बार उनको ये तो अवश्य कहना है ये कर लेना, ये कर ले। फिर उसके भाग्य, उसके प्रारब्ध, उसकी अधिकारता, उसकी पात्रता, अपनी तरफ से प्रेरणा देना, ये भी श्री गोपीनाथ जी ने अपने को स्पष्ट आज्ञा करी है। उपस्थित समस्त वैष्णवों को मैं यही कहना चाहूंगा, संप्रदाय में जितना हो सके करने के मार्ग ढूंढिए, नहीं करने की चीजों पे बहुत चिंतन मत करिए, विधि की ओर जाइए, सर्वदा निषेध की चिंता मत करिए, ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। ये इतना ज्यादा संप्रदाय बोल चुका है, मतलब सांप्रदायिक लोग, मार्गीय लोग बोल चुके हैं कि लोगों को यही नहीं पता है कि क्या करना चाहिए। तो हमको तो बस यही इच्छा होती है कि सर्वदा हम आप सभी से ये संबोधन करें, संभाषण करें कि आपको क्या करना चाहिए। तो आपको पुरुषोत्तम मास चल रहा है, सेवा का आनंद लेना चाहिए, सामग्री बनानी चाहिए, वस्त्र निर्माण करने चाहिए, श्रृंगारों को सुसज्ज करना चाहिए, आपको सत्संग करना चाहिए, जितना हो सके पाठ करना चाहिए। पुष्टि मार्गीय वैष्णव सृष्टि बड़ी जप चोर है, जप चोर, उनको जप करना चाहिए। जल्दी से हाथ किसी का गौमुखी में जाता नहीं और मालूम नहीं क्यों जप नहीं करते, अष्टाक्षर का आग्रह नहीं रखते, पंचाक्षर नहीं जपते और फिर बाहर सिग्नल पे खड़े हुए इस्कॉन वाले को देख के बड़े खुश होते हैं। यहाँ कितना आलोको निष्ठावान छे जो अखो दिवस आलोको ना आत्मा गौमुखी होए। तो तुम्हारे मुख को कौन ने मना किया था कि गौमुखी में मत डालो? अरे तुम भी अपना मुख डाल के कम से कम हाथ डाल के तो बैठ जाओ ना, ये तो गौमुखी है ना।
इसमें दो दो माला तो फिराओ व्यवस्थित बैठ के, अष्टाक्षर पंचाक्षर की माला करनी नहीं, जप करना नहीं, पुरुषोत्तम सहस्र नाम को आग्रह रखना नहीं, और विचारनो के भक्ति क्यारे मने प्राप्त थसे, तो भक्ति ऐसे कैसे आएगी आपके पास? आप बुलाओगे तो आएगी, करोगे तो आएगी, बस करने शुरू हो जाओ। मैं तो इतनी ही आज्ञा करूंगा, आज मैं यहाँ पे अपने क्रम को रख रहा हूँ। मैंने इसीलिए थोड़ा जल्दी प्रारंभ किया था कि मैं आज थोड़ा जल्दी आप सभी से आज्ञा ले सकूं। आइए अपन सब आश्रय का पद करें और आगे 55वें श्लोक से कल हम आगे हमारे सत्र को ले जाएं। दृढ़ चरण न केरो भरोसो, दृढ़ चरण न केरो, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब युग मांझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ न चरण केरो, साधन और नहीं आ कली में, जासो हो ये निवेरो, सूर कहा कहे त्रिविध यांधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ न चरण केरो भरोसो। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री अमने महाराणी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, आज के आनंद की।